और सबसे बड़ी बात जो मैं अपने जवानों को 20 साल का तजर्बा आज यहाँ पे दूंगा ना, वो ये है कि इस उम्र में जो मुंह से बातें निकल रही होती ना, जितने सिस्टम में बैठे होंगे ना, सब नोट कर रहे होंगे बैठ, और तुम्हारे बारे में एक पर्सपेक्टिव हर जगह बनना शुरू हो चुका होगा। उस शहजादे को अभी पता नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरी हाई में होता है उस टाइम। जिस दिन उसको पहली पड़ती है ना सर पे, तब दिमाग में तीसरी आंख खुलती। उस वक्त तक वो इतना बर्बाद कर चुका होता है कि उसके बारे में उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स, उसके दोस्त एक ओपिनियन बना चुके होते हैं, यार ये है। ये उम्र होती है ना गलतियां करने की, बंदा कहता है आई डोंट केयर। ये जो एटीट्यूड ना, टॉक टू द हैंड, आई डोंट केयर, यहां पे जाए यहां मर जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टूट जाएगा एक दिन। ये 26-27 के वक्त आके टूट जाएगा, जब पैसे लाने होंगे घर में, जब वोटी भी इज्जत करेगी तो कुछ चार चीजें देख के करेगी। हाँ जी सर, जब आप एक नॉर्मल आप रूटीन से हटकर, या आपने जो आपका गैदरिंग होती है, जो फॉर्मल पैक्स होते हैं आपके, आप उनसे हटकर अपनी डगर के ऊपर चलना स्टार्ट करते हो, तो आप मिसअंडरस्टूड फील करते हो, सारे आपसे दूर भागना शुरू हो जाते हैं, आपकी अपनी फैमिली, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स जो होते हैं, वो आपसे सवाल करना शुरू करते हैं। वही मैं आपको बता, आप सवाल समझा रहे हैं मुझे। नहीं सर, वैसे ही बता, आप मुझे सवाल दे दें कि फैमिली, जब आप अपने रास्ते पे चलते हैं तो फैमिली को समझ ही नहीं आती कि बंदा क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग। और सर उसमें जब आप अपने भी रास्ते के ऊपर चल रहे होते हो फोकस के साथ, तो आप उसको मेंटेन कैसे करो, आप अपने रिलेशनशिप को उनको साथ लेके। पूरी किताब चाह रहा है कि मैं 5 मिनट में बता दूंगा। गो अहेड पूछता रहे सर, उनको मेंटेन कैसे करें कि रिलेशनशिप भी आपके आपके फ्रेंड भी आपसे दूर ना हो, पानी और आप अपने भी हमजा पानी करवा देने का, जब आप अपने भी रूट को साथ लेकर चलें और उनको भी आप नाराज ना करें, क्योंकि आपकी फैमिली। बेटा जो तुम्हारी उम्र है ना, आला तरी, मैं किसी को बिलिटल नहीं कर रहा, मैं किसी की तहकीर तसलील नहीं कर रहा, लेकिन इस उम्र के अंदर ना इश्क भी बड़े नादान होते, बड़ा अजीब उम्र होती है। अगर निकल जाए ना, ये जो मेरी ज्यादातर फोकस लेक्चरिंग की, कौम के बच्चों का सिर्फ ध्यान इधर उधर से हटाना था, वो जज्बात से ही किया मैंने। मेरे ज्यादा टेक्निकल लेक्चर्स आपने नहीं सुने होंगे, वरना जमाइयां शुरू हो जाएंगी अभी आपको यहाँ पर। मैंने ज्यादातर इमोशनल कट्स दिए हैं कौम, क्योंकि लोग कहते ना वाह तकरीर होनी चाहिए, हैं इतना सबर, इतना सबर, इतना सबर, मुंह पे टेबल, ये वो बिग गया आगे से। इस उम्र के अंदर जो है ना, शैतान बड़े बम नहीं मारता आप, वो सिर्फ आपको ना डिरेल करता रहेगा फोकस से हट के। और सबसे बड़ी बात जो मैं अपने जवानों को 20 साल का तजर्बा आज यहाँ पे दूंगा ना, वो ये है कि इस उम्र में जो मुंह से बातें निकल रही होती ना, जितने सिस्टम में बैठे होंगे ना, सब नोट कर रहे होंगे बैठ, और तुम्हारे बारे में एक पर्सपेक्टिव हर जगह बनना शुरू हो चुका होगा। उस शहजादे को अभी पता नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरी हाई में होता है उस टाइम, नहीं होता। लड़के कहीं और होते हैं ना नॉर्मली, यहां थोड़ी होते हैं, या यहां होते हैं या कहीं और होते हैं। जिस दिन उसको पहली पड़ती है ना सर पे, 2-3 जबरदस्त धोखे होते हैं, तब दिमाग में तीसरी आंख खुलती। उस वक्त तक वो इतना बर्बाद कर चुका होता है कि उसके बारे में उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स, उसके दोस्त एक ओपिनियन बना चुके होते हैं, यार ये है। जिस दिन वो आंख खुलती है किसी भी जवान की, किसी भाई की, मेरी बहन भी अगर यहां पर कोई इस तरह की, ये उम्र होती है ना गलतियां करने की, बंदा कहता है आई डोंट केयर। ये जो एटीट्यूड ना, टॉक टू द हैंड, आई डोंट केयर, यहां पे जाए यहां मर जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टूट जाएगा एक दिन। ये 26-27 के वक्त आके टूट जाएगा, जब पैसे लाने होंगे घर में, जब वोटी भी इज्जत करेगी तो कुछ चार चीजें देख के करेगी, ये तब नहीं चल सकता, तब ये घेर के मारेंगे आपको उस टाइम। लेकिन वो 18 के बाद की बेवकूफियां होती हैं जो इन्होंने तेजियों के अंदर सब करते हैं। तो मैं तुम लोगों को ये एडवाइस करूंगा कि वो नहीं करना जो असल लोग करते हैं हमेशा से। गुन्ना एक लिहाज से बुरा भी होता है, लेकिन एक लिहाज से गुन्ना बनना चाहिए। खामोश, लोग नोट कर रहे हैं, जितना लोग सॉल्व, जितना मुंह खुलेगा उतना लोग सॉल्व। अभी मैं बात कर रहा हूं ना, पूरी कौम के सामने बात हो रही है, सब अपना मीटर चला रहे होंगे ये अंदर से क्या चीज है। तो यू हैव टू बी वेरी कैलकुलेटेड व्हेन यू आर टॉकिंग अराउंड। ये मुंह तब खुलना चाहिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक तो जुबान पकड़ते थे अपनी, ये जुबान, ये बड़ा मसला है, उनका मीटर ऑन हो जाएगा लिखने में। इसलिए अभी पहले सॉल्व ये करना है कि अभी लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में। मैं उसको नहीं टाल रहा कि तवक्को के लोगों की परवाह नहीं होनी, मैं कहता हूं लोगों की परवाह नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अपनी इज्जत जाके खुद खराब करते आदमी। अगर आपके बारे में मार्केट में ये वर्ड है कि ये जादूगर है, जादूगर है, जादूगर है, तो घर के बाहर जाके खोपड़ियां और हड्डियां लेके नहीं बैठ जाता कि आप बैल मार मुझे। अगर लोग मुसलमानों के बारे में या पाकिस्तानियों के बारे में बकवास करें तो हमारा नहीं बनता, हम कहेंगे जी ऐसी है ना टेररिस्ट। ये बेवकूफियां हैं, ये किसी तालीम में नहीं मिलता।
इसलिए पहले ये सॉल्व करना है कि अभी सोचते क्या है, मगर उनकी सोच इसलिए समझ नहीं आएगी, उनको वो 20-20 साल बड़े हैं, उन्होंने घाट घाट का पानी पिया, तो बेटा इस उम्र में ना किसी को उस्ताद बना ले। उस्ताद क्या करेगा, वो कुंडियां खोल के बता देगा कि भाई वो जो तुझे यूं देख रहा है ना, वो इस वजह से देख रहा है, उसने जो तुझे स्माइल पास किया ना यहाँ पर, इस वजह से किया, वो जो उसने थोड़ा सा ग्रिन किया ना तुझे, वजह इस वजह से किया। क्योंकि अक्सर हमारी फैमिलीज में और जहां से हम लोग, मैं किसी को कंडेम नहीं करता, लेकिन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हुई होती। लोग किताबें रटे मार के मैट्रिक एसएससीयां क्लियर करके 800 में से 700 नंबर लेके पास तो हो सकते हैं, मगर किरदार और शख्सियत का जो भरम है ना, वो ये किताब, ये वो एक अलहदा सब्जेक्ट है, उस पर कोई फोकस नहीं है। कि फिर जब वो 17, 18, 20 में पूरा बिगड़ा हुआ पैकेज बन के आता है सामने, तो फिर उसको क्या चेंज करेंगे, उस वक्त तो इमोशनल हाई इतनी ज्यादा होती है कि उसको ये बातें समझ ही नहीं आती। इसलिए हमने अपनी तकरीरों में हमेशा उन पॉइंट्स को हिट किया कि ये सोचे, लेट इज आई ओपन अप, इसकी आंख खोले के भैया तुझे लोग चाहिए सपोर्ट के लिए, तुझे घर, तुझे ख्वाब को कौन सपोर्ट करेगा बच्चे, तुझे लोग चाहिए, तुझे बंदे चाहिए, तुझे सपोर्ट चाहिए, तुझे सियासतों के, तुझे चौधरी चाहिए इर्द गिर्द के, अल्लाह तो चाहिए ही चाहिए। तो या तो फिर ईमान इतना पक्का हो के जिब्रील उतर जाए बंदे के ईमान पर, अब वो नहीं अगर होना तो 60-40 है, तो फिर ग्राउंड के ऊपर तो कुछ काम करना है ना। तो उस पर सबसे बड़ी चीज ये है कि मुंह को टेप लगाए आदमी, खामोश बने, बड़े भाई को ज्यादा प्यार मिल रहा है, किसी को कंपनी, खामोश, ऑब्जर्व। और इंसानों को राज करने का एक कोर्स है, वो भी अलहदा से होगा, वो भी सिखाएंगे वो कैसे, मगर वो उसूलों से होगा। उसका पहला उसूल ये है कि बोंगियां मारना बंद करे आदमी। दूसरा, उसके बावजूद भी ज्यादती अगर हो रही है, सबर, नोट करना कि इनको डाउन मैंने कैसे करना। ये पैसे से खामोश होंगे, ये दलील से खामोश होंगे, ये मिजाज से खामोश होंगे, ये सबर से खामोश होंगे, ये भरम से खामोश होंगे। हर जंगल के जानवर का शिकार मुख्तलिफ तरीके से किया जाता है, एक लठ मार के नहीं सबको किया जा सकता। एब्सोल्यूटनेस कोई चीज ही नहीं होती, रिलेटिव होती हैं चीजें। तो इसको मान लें, इसलिए वो जो छोटी जो मुस्तकिल मिजाजी की गलतियां जो कनेक्ट करूंगा वहां, वो इंपैक्ट भी खराब कर रही होती है मार्केट के अंदर। लोग देख रहे होते हैं यार एवं है क्या, जिस दिन ये बात आ गई ना, ये एवं है, खलास 60% मार्केट लूज हो चुकी है आपकी इंपैक्ट की। और पैसा भी हो या नाम भी हो या शोर, इन्फ्लुएंस से बनाया जाता है। और इन्फ्लुएंस एक पूरी साइंस है, वो कैसे क्रिएट करनी है कि लोग मोहब्बत भी जी जान से करते हो, डरते भी जी जान से हो। ये अलीमान बैन अल खौफ व रजाए जो है ना, कि इंसान की शख्सियत का जो लोगों का एक डर भी हो, उम्मीद भी हो, मोहब्बत भी हो, या एवं स्टैब्लिश नहीं होता। तो इस टाइम पर उनको जवाब देना बंद करें, उसको समझाना भी बंद करें। अब्बा जो होता है ना इस उम्र में, वो समझ ही नहीं सकता। और बापों को डील करने की एक स्ट्रैटेजी है, उनको रिजल्ट ला के दिखाओ, उनके आगे बातें नहीं करना। प्यो जड़ा होता है ना, वो कंस्ट्रक्टिव चीज वेख के कन्विंस होएगा, गलां बातों के नाल नहीं प्यो कन्विंस होता। अब पाकिस्तानी प्यो तो कभी भी कन्विंस नहीं हो सकता भाईजान, कुछ बना के दिखा फिर बात करें। दूसरा एक और टिप, जब बन जाएगा ना तब बोलना नहीं पड़ेगा।